संजना भट्ट ने एक बार फिर से जीता पब्लिक का दिल और वोटिंग में आ गई इस नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, सारेगामा प का ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ावों से भरा रहा। उतार चढ़ाव इसलिए क्योंकि इस बार शो में हुआ डबल एविक्शन, तो दूसरी तरफ दोनों ही शो के एपिसोड्स काफ़ी शानदार थे। शनिवार की रात शादी स्पेशल एपिसोड था जिसमें संजना भट्ट की शादी कराई गई और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चे शुरू हो चुके हैं संजना भट्ट के। संजना भट्ट की फैन फॉलोइंग बढ़ती नजर आ रही है, दिन पर दिन उनकी परफॉर्मेंस में भी सुधार होता जा रहा है। इस बार के जो डबल एविक्शन हुए उसमें शो से दो फीमेल कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुकी हैं, पहली अंशिका चौनकर और दूसरी हैं यमुना अजीम। जी हाँ, और इसी बीच शो के एंकर आदित्य नारायण के द्वारा शो के टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स के नाम बताए गए। पहले थे शरद शर्मा, दूसरी संजना भट्ट और तीसरे थे ब्रज क्षत्रिय। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि एक बार फिर से टॉप थ्री में जगह बनाने में कामयाब रही हैं संजना भट्ट। संजना भट्ट के लिए ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि शो में बाकी के जितने भी 9 कंटेस्टेंट्स बचे हैं वो सभी प्रोफेशनली ट्रेन हैं, पर संजना भट्ट ने कहीं से कोई शिक्षा संगीत की नहीं ली और ये सब होते हुए भारत के सबसे बड़े मंच पर इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ हर बार एक नई परफॉर्मेंस देना, हर बार एक नए बॉलीवुड सेलिब्रिटी मेहमान को एक नया गाना डेडिकेट करना वाकई बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपका प्यार अगर संजना भट्ट के लिए ऐसे ही बना रहा तो संजना भट्ट जरूर शो के फिनाले तक जाएंगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप संजना भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शुक्रिया।